हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, सितंबर 10 इसी पोस्ट का जो एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है आपका, तो उसी के लिए मेरा जो साजेस्ट स्टेप जो क्वेश्चन बैंक है उसका एक पार्ट वन वीडियो है। तो देखिए, ITI जो भी डिफरेंट स्ट्रीम का एग्जामिनेशन होने वाला है इस CBT एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड इसका PDF का भी मेरा टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए जो लिंक को आपको क्लिक करना है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उससे आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, आपका ये सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है लिमिट फी टॉलरेंस के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर ए शाफ्ट 20D6 वी फाइंड द टेबल -7। ए -7 क्या है? -7 है ES, इकर सुपीरियर, ठीक है। एंड -20 क्या है? इकर इनफेरियर, ठीक है। तो देखिए, ये जो 7 है ये है इसी शाफ्ट का अबव, ये जो शाफ्ट है 20G6 इसका अपर लिमिट, ठीक है। एंड इसका साइन क्या है? माइनस में। एंड इसका लोअर लिमिट क्या है? -20। द लिमिट ऑफ द शाफ्ट मेंशन द लोअर लिमिट, तो इसी शाफ्ट का जिसका बेसिक साइज है 20, ठीक है, इसी शाफ्ट का लोअर लिमिट क्या रहेगा? तो देखिए, इसी शाफ्ट का लोअर लिमिट क्या रहेगा, इसका बेसिक साइज क्या है? 20.000, ठीक है। एंड इसका लोअर लिमिट क्या है? -20। तो -20 को हमको क्या करना है? -20 को हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद आपका जो वैल्यू मिलेगा वो है -020। तो 20 बेसिक साइज से आपको -020 क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 19.980। तो इसी जो शाफ्ट है इसका लोअर लिमिट रह जाएगा 19.980, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको एक और रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, वो क्या है? कोई भी शाफ्ट को अल्फाबेट स्मॉलर अल्फाबेट से डिनोट करता है, ठीक है। जैसे कि इस शाफ्ट में देखिए स्मॉलर लेटर है, ठीक है, जी से इंडिकेट किया है। एंड अगर कोई होल होता तो होल को हम कैपिटल अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं। इस जैसे कि मान लीजिए होल को जनरली कैपिटल ए से डिनोट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ब्लैक टैप आर यूज्ड फॉर, ठीक है। तो देखिए, एक टैप सेट में 3 टैप होता है। फर्स्ट टैप जिसको हम बोलते हैं टिपर टैप, ठीक है। सेकेंड टैप को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट टैप बोलते हैं। एंड थर्ड टैप का हम क्या बोलते हैं? थर्ड टैप के हम बॉटमिंग टैप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्लैक टैप है जो बॉटमिंग टैप है, उसको इस्तेमाल हम किस काम के लिए यूज करते हैं? फिनिश थ्रेड, इसी काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देखिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है द पार्ट ऑफ द रिमर व्हिच अलाउज द चीफ टू पास एंड एडमिट द कूलेंट टू कटिंग एज। तो देखिए, रिमर का जिसी पार्ट के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो चिप्स फॉर्म हो रहा है रिमर के कटिंग के बजाय, उसी चिप्स को हम एक्सट्रूशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं एंड हम कूलेंट भी उसी के साथ दे सकते हैं, ठीक है। कटिंग एज में हम कूलेंट भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसी जो प्रोवाइड होता है, ठीक है, किसी पार्ट्स के साथ प्रोवाइड होता है, ठीक है, फ्लूइड्स के साथ, ठीक है। फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड्स क्या है? ग्रूव रहते हैं रिमर के बॉडी के ऊपर, ग्रूव्स जो प्रोवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसी फ्लूइड्स के सहायता से हम क्या करते हैं? कूलेंट को डालते हैं एंड जो चिप्स कटिंग हो रहा है, ठीक है, उसी चिप्स हम निकल सकते हैं फ्लूइड्स के सहायता से। एंड देखिए, ये द पार्ट ऑफ द रिमर, इसी रिमर को हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरा एक वर्ड से, ड्रिल से, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन तब क्या बनता, द पार्ट ऑफ द ड्रिल व्हिच अलाउ द चिप्स टू पास एंड एडमिट द कूलेंट टू द कटिंग एज इज, तो तब भी आपका आंसर फ्लूइड से रहता है। तो ड्रिल के जो जिसी पार्ट से हम कूलेंट सप्लाई करते हैं, ड्रिल बॉडी के ऊपर जिसी पार्ट्स के सहायता से हम
कूलेंट डाल सकते हैं, एंड जो काटिंग चिप्स हो रहा है ठीक है उसको हम निकल सकते हैं, उसी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, फ्लूट्स बोलते हैं। बेसिकली इसके ऊपर ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप्स के बजाय हम ये काम कर सकते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द आई बोल्ट आर यूज फॉर, तो आई बोल्ट को हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आई बोल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी मशीन्स। कोई भी हेवी मशीन और हेवी पार्ट्स को एक एक स्थान से दूसरा कोई प्लेस में लाने के लिए हम आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हिच रेंज ऑफ कटिंग स्पीड इज सुइटेबल फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील बाय यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। तो देखिए इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है, ये जो हाई स्पीड स्टील है इसमें 18% प्रेजेंट रहते हैं टंगस्टन ठीक है, 18% टंगस्टन प्रेजेंट रहते हैं, 4% प्रेजेंट रहते हैं क्रोमियम ठीक है, एंड 1% प्रेजेंट क्या रहते हैं, 1% प्रेजेंट रहते हैं वैनेडियम ठीक है। एंड इसी के साथ जो लास्ट में मेंशन करना चाहूंगा उसका वो क्या है, 0.7 से लेके 1% कार्बन भी रहते हैं हाई स्पीड स्टील टूल में ठीक है। तो देखिए ये जो हाई स्पीड स्टील अगर कोई आपका टूल है एंड आप अगर माइल स्टील जॉब को टर्निंग कर रहे हैं, तो देखिए टर्निंग हम किस मशीन में करते हैं, लेद में हम टर्निंग करते हैं ठीक है। तो माइल स्टील जॉब का आप टर्निंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल, तो उसी के टाइम काटिंग स्पीड क्या रहना क्या रहेगा, 35 से लेके 50 मीटर पर मिनट, काटिंग स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर मिनट। एंड देखिए अगर आपका जॉब का नेम माइल स्टील के जगह ब्रश होता तो तब आपका आंसर क्या होता। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं पहले देख लेते हैं, व्हिच रेंज ऑफ काटिंग स्पीड इज सुइटेबल फॉर टर्निंग ब्रश यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल, तो तब आपका आंसर बनता 60 से लेके 90 मीटर पर मिनट। तो आप अगर हाई स्पीड स्टील को इस्तेमाल करके माइल स्टील को टर्निंग कर रहे हो तो तब आपका स्पीड होगा 35 से लेके 50, लेकिन आप जब ब्रश को मशीनिंग कर रहे हो हाई स्पीड स्टील टूल से तो तब आपका कटिंग स्पीड क्या रहेगा, 60 से लेके 90 आरपीएम। ये आपको रिलेटेड क्वेश्चन मानकर नोट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है ए शैफ्ट इज सब्जेक्टेड टू, तो देखिए शैफ्ट में शियर स्ट्रेस भी हम डिजाइन करने के टाइम शियर स्ट्रेस को भी हम कैलकुलेट करते हैं एंड बेंडिंग स्ट्रेस को भी हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को खत्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में, बोला है द टेपर रेशियो ऑफ ए रेक्टेंगुलर शंकी ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर शंकी का टेपर रेशियो जो होता है वो है 1 in 100 ठीक है, 1 in 100 रहता है एक रेक्टेंगुलर शंकी का टेपर रेशियो ठीक है। उसी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हिच बॉन्डिंग मटेरियल इज सुइटेबल फॉर ग्राइंडिंग फाइन एज टूल ठीक है। तो फाइन एज टूल को हम ग्राइंडिंग करने के लिए जिसी बॉन्ड का हम इस्तेमाल करते हैं मोस्ट सुइटेबल वो क्या है, वो है सिलिकेट बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी पूछा है ग्राइंडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक बॉन्डेड व्हील्स कैन बी विथस्टैंड ठीक है। तो ऑर्गेनिक बॉन्डेड व्हील जो है ठीक है वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं राफ यूसेज के लिए ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्लीवी ऑफ ए मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो देखिए पहले एक मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर को हम ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है।
तो ए हो गया है आपका एक मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। तो देखिए इसी माइक्रोमीटर का ये जो स्केल है इसको हम बोलते हैं बैरल स्केल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं बैरल स्केल, और इसको हम स्लिवी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए इसमें जो स्केल माउंटिंग रहते हैं उसको हम बोलते हैं थिम बिल स्केल, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट्स का नाम है थिम बिल, तो इसमें जो स्केल माउंटिंग रहते हैं उसको हम बोलते हैं थिम बिल स्केल। तो बैरल स्केल में एक स्केल्स एक लाइन के से दूसरा लाइन का जो डिफरेंस है वो क्या है? 0.5। जैसे कि मान लीजिए 0 से लेके पहले जो लाइन है उसका वैल्यू होगा 0.5, दूसरा जो आएगा ऊपर के तरफ वो है 1, उसके बाद नीचे में रहेगा 1.5। तो ये जो लाइन 0.55 गैप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए स्लीवी और बैरल का तो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.50 हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन पूछता द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द थिम्बिल स्केल, तब आपका आंसर क्या होता? तब आपका आंसर होता 0.01 mm, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना होगा, किसी पार्ट्स का बोला है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं क्या पूछा है। टेपर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टेपर रेशियो, ठीक है। तो टेपर रेशियो जिसको हम कोनिसिटी भी बोलते हैं, जिसको हम के से, ठीक है, के से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए टेपर क्या है? मान लीजिए ऐसा कोई जॉब आपके सामने है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर ये बिग डायमीटर से आप स्मॉल डायमीटर की तरफ जा रहा है तो आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। एंड आप स्मॉलर डायमीटर से अगर बिग डायमीटर के तरफ जा रहा है तो आपका क्रॉस सेक्शन क्या है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्मॉलर डायमीटर है इसमें आप इसको हम स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एंड जो लार्जर डायमीटर है उसको हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। एंड इसका लेंथ अगर हो जाएगा एल, तो इसका टेपर रेशियो और कोनिसिटी क्या हो जाएगा? उसका टेपर रेशियो और कोनिसिटी हो जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ में इसका डायमीटर का रिडक्शन क्या हो रहा है? वही है उसका कोनिसिटी और टेपर रेशियो, ठीक है। एंड देखिए ये जो टेपर टर्निंग जो डिफरेंट प्रोसेस है ये भी आपको एग्जामिनेशन में याद करके जाना होगा, ठीक है, देख कर जाना होगा कि जो डिफरेंट 5 टेपर टर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, बाय फॉर्म टूल, बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट, बाय स्विवेलिंग द कंपाउंड रेस, बाय सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक, ठीक है। तो देखिए सेटिंग ओवर टेल स्टॉक का अगर बात आ गई आ ही गया तो इससे हम एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, जो टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड में कितना सेट ओवर करना पड़ता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा अगर जॉब का कैपिटल डायमीटर है डी एंड स्मॉलर डायमीटर है स्मॉल डी, तो उसका सेट ओवर कितना करना पड़ेगा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू, ठीक है। तो ए है सेट ओवर करना। और अगर कोनिसिटी का क्वेश्चन है तो कोनिसिटी का आपका टेपर रेशियो जो है उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई ए, ठीक है, जिसको हम कोनिसिटी भी बोल सकते हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स उसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड को कैलकुलेट करने का जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है वो क्या है? पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में वेल्डिंग के ऊपर एक क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग का स्पेसिफिक फॉर गैस वेल्डिंग एंड कटिंग ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन द सिलेंडर अंडर मैक्सिमम प्रेशर ऑफ। तो गैस वेल्डिंग करने के टाइम हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसी सिलेंडर में ऑक्सीजन को कितना प्रेशर से हम भरपाई करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर रहते हैं नॉर्मली वो क्या है? 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसी के साथ आपको नोट डाउन ऑब्वियसली करना पड़ेगा वो क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर का हम ब्लैक कलर से पेंटिंग करते हैं एंड ऑक्सीजन सिलेंडर में जो रेगुलेटर इस्तेमाल होता है उसका वो क्या है? वो है राइट हैंड थ्रेड, उसमें राइट हैंड थ्रेड रहते हैं। एंड राइट हैंड थ्रेड उसी को हम बोलते हैं जो एडवांस होता है राइट से लेफ्ट तरफ, ठीक है। एंड देखिए लाइट के लेफ्ट तरफ इसको हम क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। तो जो जो मैं रिलेटेड क्वेश्चन बताया
उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है फॉर फाइलिंग QA व्हिच फाइल इज यूज्ड। तो QA के फाइलिंग करने के लिए हम जिस फाइल का इस्तेमाल करते हैं वो है पिलर फाइल। ठीक है, पिलर फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं QA के फाइलिंग करने के लिए। एंड वार्डिंग फाइल हम किस टाइम इस्तेमाल करते हैं? वार्डिंग फाइल हम इस्तेमाल करते हैं अगर कोई नैरो स्लॉट्स को आपको फाइलिंग करना है तो वार्डिंग फाइल का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, एंड रास्प कट फाइल फ्रेंड्स किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? अगर आपका जॉब है वुड लेदर, ठीक है, तो उसी के टाइम इस्तेमाल होता है रास्प कट फाइल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द लेथ पार्ट इज यूज टू होल्ड द ड्रिल इज। तो लेथ का जिस पार्ट टूल को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता, सॉरी द लेथ पार्ट व्हिच इज यूज टू होल्ड द ड्रिल। तो लेथ में अगर आपको ड्रिल को होल्ड करना है तो आप ड्रिल को कहां पर होल्ड करोगे? तो उसका आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक में हम लेथ का जो ड्रिल है उसको हम फिट करते हैं। ठीक है, एंड देखिए ये टेल स्टॉक कहाँ पर रहते हैं? लेथ का राइट हैंड साइड में टेल स्टॉक रहते हैं। तो हेड स्टॉक कहाँ पर रहते हैं? हेड स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन है द पिच ऑफ ए थ्री स्टार थ्रेड इज लीड डिवाइडेड बाय। तो देखिए एक कॉमन फॉर्मूला है लीड इक्वल्स टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो लीड इक्वल टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो लीड को अगर इधर में स्टार्ट को क्या बोला है? थ्री स्टार्ट थ्री बोला है। तो स्टार्ट के जगह हम थ्री लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए पिच का वैल्यू तो तब क्या हो जाएगा? पिच इक्वल्स टू लीड बाय थ्री। तो लीड को हम किस न्यूमेरिकल डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं? तो थ्री से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा थ्री। तो पिच ऑफ ए थ्री स्टार थ्रेड इज लीड डिवाइडेड बाय थ्री होगा। ठीक है, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है ए की इज सब्जेक्टेड टू। तो की और चाबी इसका जो फेल होता है कौन सा स्ट्रेस में फेल करते हैं? शियर स्ट्रेस में फेल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शियर स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेनिंग इन कोरांडम। ठीक है, कोरांडम में जो एल्युमिनियम परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं उसका परसेंटेज क्या है? उसका परसेंटेज है 95%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेट ग्राइंडिंग। तो देखिए वेट ग्राइंडिंग जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है जिसमें हम कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, तो कूलेंट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आपका जॉब और टूल दोनों ही कोल्ड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका रफ सरफेस होने का चांस ही नहीं मिलेगा, इसमें आपका बर्निंग का भी चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड मैंने पहले ही भी बताया जब कूलेंट इस्तेमाल होता है वेट ग्राइंडिंग में तो आपका आंसर हो जाएगा गुड सरफेस फिनिश। अगर आप कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जॉब जो है उसी का एंड जो टूल है दोनों का ही जो कंडीशन है वो अच्छा रहेगा। इसी के लिए जो सरफेस फिनिश होता है वो अच्छा सरफेस फिनिश होता है वेट ग्राइंडिंग में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है एसिटिलीन इज केमिकल कंपाउंड ऑफ। तो एसिटिलीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C2H2। तो एसिटिलीन फॉर्मेशन होता है कार्बन और हाइड्रोजन के उपस्थिति से। ठीक है, तो एसिटिलीन का में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? एसिटिलीन में प्रेजेंट रहते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी पर तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ पार्टिंग ऑफ टूल। तो पार्टिंग ऑफ टूल जो है उसका एंगल क्या रहता है? देखिए ये 10 डिग्री होगा। ठीक है, जो लास्ट वाला जो जीरो है वो डिग्री का जीरो है। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल है पार्टिंग ऑफ टूल का 10 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एक्चुएटर यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एक्चुएटर का जो फंक्शन होता है उसमें सिलेंडर में, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर। एंड देखिए ये जो क्वेश्चन है फिटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, MMB डीजल मैकेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, ए नॉन रिटर्न वाल्व इज कॉल्ड। तो नॉन रिटर्न वाल्व का जो दूसरा नाम है वो है चेक वाल्व, उसको हम वन वे वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है व्हिच एंगल मेक रेक एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। तो देखिए ट्विस्ट ड्रिल में जिसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का रेक एंगल और ट्विस्ट ड्रिल का हेलिक्स एंगल का मतलब एक ही होता है, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का हेलिक्स एंगल हो जाएगा, जिसका नॉर्मल वैल्यू जो रहते हैं 27.5, ठीक है। नेक्स्ट द स्ट्रोक ऑफ एन इंजिन इज, तो देखिए एक इंजिन ड्रॉ करते हैं हम, इंजन सिलेंडर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए इंजन सिलेंडर मान लीजिए इस पोजीशन तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जो डॉटेड लाइन है ए मान लीजिए 0.2 और ए है 0.1, तो 0.1 से लेके 0.2 तक आता है, उसके बाद 0.2 से फिर 0.1 के तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थीके? तो देखिए जिस पॉइंट से ये चालू होना शुरू होते हैं, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट से मूव करते हैं उसको बोलते हैं TDC। TDC का मतलब क्या है, टॉप डेड सेंटर, एंड जिसमें आके उसका मूवमेंट स्टॉप होते हैं उसके बाद फिर से TDC की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम बोलते हैं BDC। BDC का मतलब है बॉटम डेड सेंटर। तो स्ट्रोक ऑफ द इंजन कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप डेड सेंटर टू BDC, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के तरफ जो डिस्टेंस है वही है इंजन का स्ट्रोक, ठीक है। एंड देखिए ये 4-स्ट्रोक इंजन जो है उसका 2 रिवोल्यूशन के 1 4-स्ट्रोक कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इंजन जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट अगर उसका 2 रिवोल्यूशन होगा तो जो स्ट्रोक 4-स्ट्रोक जो हो वो कंप्लीट होता है, ठीक है। कैसे होता है वो भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक कनेक्टिंग रॉड है एंड उसके बाद ए फ्लाई ए जो है ये क्रैंकशाफ्ट है, तो क्रैंकशाफ्ट जब इस पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, तो पिस्टन 1 पोजीशन में रहते हैं, उसके बाद क्रैंकशाफ्ट मूव होते होते इधर में जब आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट में जब आते हैं तो क्या होता है, तब पिस्टन का पोजीशन रहते हैं इधर में, ठीक है, उसके बाद क्रैंकशाफ्ट इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन पे आते हैं, उसके बाद पिस्टन क्या है फिर से इधर में चला जाता है, एंड उसके बाद पिस्टन अगर क्रैंकशाफ्ट इधर से मूव करके फिर इधर में आते हैं तो पिस्टन फिर से 2 पोजीशन पे आते हैं, एंड इससे आवा जो इधर में आते हैं तो उस टाइम पिस्टन फिर से 1 तरफ जाता है, ठीक है। तो देखिए तो क्रैंकशाफ्ट का जो 1 रिवोल्यूशन होता है उसमें 2 स्ट्रोक कंप्लीट होता है, तो 2 रिवोल्यूशन में कितना स्ट्रोक कंप्लीट होगा, 4 स्ट्रोक कंप्लीट होगा, ठीक है, ऐसे ही 4 स्ट्रोक इंजन ऑपरेट होता है, ठीक है। तो स्ट्रोक लेंथ टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर के तरफ जो डिस्टेंस है वही है स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगा, अगर अच्छा है लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना, एंड ऐसे जो सीरीज जो है ये आपको मिलते रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए, आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।